आप सबको एक्टिव एंड पैसिव म्यूचुअल फंड्स में ब्रॉडली एक डिफरेंस पता होगा इन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इज अ अ फंड मैनेजर एंड टीम ऑफ एनालिस्ट जो आपके पैसे को मैनेज करती हैं यानी कि एक्चुअल ह्यूमन मैनेज योर मनी पैसिव म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा कुछ नहीं होता देर इज ऑलमोस्ट जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन पैसिव म्यूचुअल फंड्स के केस में आपके पैसे को कंप्यूटर्स एंड एल्गोरिदम्स मैनेज करती हैं तो जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स की कॉस्ट होती है जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं वो भी काफ़ी

As you can see, broadly there are सिक्स types of ETFs in India: index ETFs, gold ETFs, sector ETFs, bond ETFs, currency ETFs, and global index ETF. इस वीडियो में हम आपको चार कैटेगरीज के बेस्ट ईटीएफ बताएंगे पर वो जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें कौन से ई में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या हमें सारे ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें कुछ सिलेक्टेड ई में इन्वेस्ट करना चाहिए इसका आंसर डिपेंड करेगा ऑन योर रिस्क प्रोफाइल Now, we understand that understanding your risk profile and uh, finding out the best ETF for you can be a bit difficult. So, this is why we're going to introduce a great tool for you. This tool is called Eliver. एलिवर इज अ पर्सनलाइज इन्वेस्टिंग एप जो आपकी रिस्क प्रोफाइल को बहुत बारीकी से मेजर करता है हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाकी सारी कंपनी पूछती है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो बट हमारे हिसाब से मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस आंसर दू नॉट नो की वो कितना रिस्क ले सकते हैं एंड दिस इज हाउ एलिट फ्रॉम ऑल दी अदर टूल्स आउट एलिवर आपको दो चीजें बताता है फर्स्ट आप कितने रिस्क टेकिंग है विच इज कॉल्ड योर रिस्क टॉलरेंस सेकेंड आपकी प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आपको कितना रिस्क लेना चाहिए पूरी कस्टमाइज पोर्टफोलियो बनता है टू नो मोर अबाउट टूल प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन ऑन टॉप राइट कॉर्नर अब देखते हैं बेस्ट ईटीएफ इन ऑल कैटेगरी सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स ETF की इसमें विल बी कंसिडरिंग निफ्टी और स देखिए ईटीएफ चूज करने से पहले सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फंड का एयूएम वी शुड ऑलवेज चूज ई टी विच हैव लार्ज एय जैसे कि आपको पता है ईटीएफ की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पे होती है सो इट्स बेटर दैट आपकी ईटीएफ की लिक्विडिटी ज्यादा हो फॉर बोथ बाइंग एंड सेलिंग विच इज वाई एयूएम जो फंड का है वो ज्यादा होना चाहिए अगर फंड का एयूएम कम होगा तो बाइंग एंड सेलिंग में बेसिकली ट्रेडिंग में स्ट्रगल करना पड़ेगा सेकेंड फैक्टर इज कॉस्ट और एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड दोनों फैक्टर्स जितने कम हो उतना बेटर लास्ट इज ट्रैकिंग एरर हर कोई ना कोई ईटीएफ किसी ना किसी इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है सो इट्स बेटर की जो इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहा है वो कम एरर के साथ ट्रैक करे ये भी जितना कम हो उतना बेटर बेस्ट इंडेक्स ई में दोनों एस बी आई एंड यू टी आई ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं एच डी एफ सी को आराम से रिजेक्ट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ रिलेटिवली लो एय एंड हाई एक्सपेंस रेशियो सो इन द इंडेक्स ई टी एफ यू कैन ईदर गो विद एस बी आई सेंसेक्स और यू टी आई सेंसेक्स नेक्स्ट कैटेगरी इज गोल्ड ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ में हमारे पास काफी अच्छे ऑप्शन है, we'll IDBI, अच्छा दिख रहा है पर उसका एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एर बाकी से थोड़ा ज्यादा है HDFC, be इसका एयूएम भी डिसेंट है तो लिक्विडिटी की भी टेंशन नहीं रहेगी सेक्टर या इंडस्ट्री को ट्रैक करते हैं इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रॉडली सब फंड का एयूएम काफी लो है इट इज लेस देन हंड्रेड सी आर सो देर आर हाई चांसेस कि आपको इसकी बाइंग एंड सेलिंग दोनों महंगी भी पड़ेगी और बेचने में भी दिक्कत होगी

इस ऐप में आप ये सब कर पाएंगे वो भी एंड टू एंड एंड दैट टू इन अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट इन कंपैरिजन टू अदर फुल्ली पर्सनलाइज इन्वेस्टिंग ऑप्शंस और खास हमारे व्यूअर्स के लिए यू कैन यूज द रेफरल कोड वैल्यू सिक्स एंड गेट अ सिक्स मंथ्स ट्रायल ऑफ द ऐप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वी आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल फाइंड दिस ऐप वैल्यूएबल बाकी सारी डिटेल्स हमने पिन कॉमेंट में डाल दी है टिल देन बी किफायती